Hi friends, welcome to Skill Mumbai. This is Lakshman, your DESS coach. आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक आईपी कैमरे का पासवर्ड आप ब्रेक कर सकते हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर, सिंगल एक आईपी कैमरा होगा तो उसका पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है, जैसे कि हिकविशन का अलग मेथड है, ठीक है। अगर सीपी प्लस की बात करेंगे तो अलग मेथड है, दउआ की बात करेंगे तो अलग मेथड है। अगर आप चाहते हो कि सभी कैमरों के ब्रांड की आईपी कैमरे का पासवर्ड कैसे रीसेट करते, इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आप क्या क्या चीजों के बारे में और सीखना चाहते हो। तो इस टॉपिक में, यानी कि आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा सीपी प्लस कैमरे का पासवर्ड कैसे आप हार्ड रीसेट कर सको, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं हमारे कैमरे के साइड में और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हार्ड रीसेट कैसे करते। बट बिफोर दैट हम स्क्रीन के ऊपर आकर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर, जैसे कि यहां पर आप आ सकते हो, ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यहां पर आईपीसी लिखा हुआ है, यानी कि आईपी कैमरा सीपी प्लस का है। यहां पर मॉडल में आप देख सकते हो सीपी यूएनसी, ये मॉडल नंबर है। यहां पर आप देख सकते हो ये आईपी लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 192.168.0.105। तो इसी को मुझे क्या करना है, फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है, यानी कि इसे मुझे रीसेट करना है। बट रीसेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, जिसमें से सबसे हार्ड एंड कोर मेथड है जो मैं नॉर्मली हर जगह पर यूज करता हूं, और वो है कि मुझे इसे हार्डवेयर से रीसेट करना है, ठीक है। तो यहां पर आईपी देख लीजिए, अभी ये आईपी बदलने वाला है, यानी कि .1 समथिंग कुछ हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखते हैं, यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करके, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर मैं इसके वेब सर्विसेज खोल रहा हूं, यानी कि इसकी वेब पेज जो मैं खोल रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हो हम यहां पर वेब सर्विसेज पे आ चुके हैं यहां पर। और यहां पर मैं पासवर्ड के लिए जब कैमरे को, पर्टिकुलर कैमरे को मैं लॉग इन करता हूं, ठीक है, या तो फिर मैं एनवीआर में जब मैं आईपी कैमरे को कॉन्फिगर करता हूं, तो उसके लिए पासवर्ड कंपलसरी होता है। तो वो पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, यहां पर मुझे पासवर्ड नहीं पता है, तो इसे रीसेट कैसे करेंगे। इसे रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, रीसेट करना है, राइट। तो रीसेट करने के लिए अब हम कैमरे के साइड पर जाने वाले, तो चलते हैं हम कैमरे की साइड पर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं कैमरे की साइड पर आ चुका हूं और मैं कैमरे को ओपन कर दिया हूं। यहां पर मैंने इसका जो अपर कवर है वो मैंने निकाल दिया यहां पर। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो ये कैमरे को मैंने यहां पर दे दिया है डेटा से कनेक्ट, और कैमरे को मैंने पावर लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कैमरे की ओर देखोगे, जब आप इसको ओपन करते हो, तो पूरा पीसी भी मत ओपन करिए, अगर आप यहां पर देखोगे, अगर इस तरीके का रीसेट बटन आपको दिख रहा होगा यहां पर अंदर की तरफ, अगर आप देखोगे तो एक रीसेट बटन होगा, राइट। तो वो जो रीसेट बटन है यहां पर आप देख सकते हो, ये अंदर की ओर, तो ये रीसेट बटन से आप इसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो इसे मैं 10 सेकंड तक प्रेस करके रखूंगा, ठीक है, और ये मैं प्रेस करके इसको रखा हूं, थोड़ी देर तक इसे प्रेस करके रखना है ताकि ये रीसेट हो जाए। ऑल राइट, सो मैंने इसे रीसेट कर दिया। मैं एक बार जस्ट अ सेकेंड, सो यहां पर अगर आप स्क्रीन की ओर आओगे और यहां पर आप देखोगे, तो अभी मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूं बिकॉज मैंने रीसेट किया हुआ है, तो ये अभी आईपी रीसेट होने के बाद में मुझे दिख जाएगा यहां पर। तो मैं इसे रिफ्रेश करते रहता हूं, और आपको यही करना है, इसे रिफ्रेश करते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फैक्ट्री डिफॉल्ट हो चुका है, यानी कि पहले हमारा जो आईपी था वो 0.115 था, अब जो हो चुका है डेट इज 1.250, यानी कि मेरा जो रेंज का, मेरा जो सबनेट है, यानी कि मेरा जो नेटवर्क आईडी है, वो नेटवर्क आईडी जो है मेरा राउटर का वो अलग है, और मेरे कैमरे की जो डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी दी गई है वो अलग है। तो जब मैं इसे वापस से कॉन्फिगर करूंगा, तो इसकी नेटवर्क आईडी को चेंज करूंगा, और फिर ही मैं इसमें अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर पाऊंगा, राइट। तो ये मुझे खाली इतना आपको बताना है कि देख सकते हो अभी ये यहां पर रीसेट हो चुका है, अब मैं इसे लॉग इन करके यूज कर सकता हूँ, राइट। तो यहां पर मैं इसे एडिट कर देता हूं यहां पर आईपी एड्रेस को, जैसे कि 192.168.0.10 फॉर एग्जांपल 10। सबनेट मास्क मेरा जो है वही मैं डालूंगा 255.255.255.0,
नेक्स्ट आता है हमारा गेटवे 192.168.0.1, ठीक है, सेव मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो एक टिक लग चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर आईपी मॉडिफाई हो चुका है हमारा। और अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर मैं आपको दिखा दूंगा, अब मैं इसे लॉगिन कर सकता हूँ मेरे डिफॉल्ट आईपी डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड से, राइट। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउजर का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, सो जस्ट अ सेकेंड। सो ये थोड़ा सा मेरे ब्राउजर का इशू है, मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्रोम में, अच्छा क्रोम में ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्सटेंशन के थ्रू ओपन करना होगा, डेट इज आई टैब एक्सटेंशन, और इसके अंदर मैं टाइप करूंगा 192। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, डेट इज जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये वेब पेज देख सकते हो यहाँ से पूरा ब्रोकन आ रहा है, यानी कि इसके टैग्स वगैरह यहाँ वहाँ आ रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस की वजह से होता है कई बार, और ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं आता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इस आईपी को ना दूसरे रेंज पे डाल देते हैं, एक आगे पीछे का रेंज ले लेते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और अब मैं इसे 11 के ऊपर मैं इसे क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो देख सकते हो 11 के ऊपर अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जनरली आईपी एड्रेस की वजह से आता है, तो वो आईपी एड्रेस आप किसी और कैमरे को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडमिन, और यहाँ पर अगेन मैं एडमिन टाइप करूंगा। ये हो गया मेरा डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। अब इस डिफॉल्ट पासवर्ड को आप डाल के लॉग इन कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बोल रहा है न्यू पासवर्ड अब बना लीजिए आप, और न्यू पासवर्ड अब मुझे नहीं बनाना है यहाँ पर, मेरे को ओके करना है डिफॉल्ट पे ही, तो मैं यहाँ पर ओके भी कर सकता हूँ या तो कैंसिल कर सकता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा कैमरा आईपी कैमरा चालू हो चुका है, और ये मेरा पासवर्ड जो है कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। सो देखा आप सभी लोगों ने कि किस तरीके से हमने सीपी प्लस आईपी कैमरे को पासवर्ड को कैसे हमने रीसेट किया, और बीच में देखा कि किस तरीके से हमें वेब पेज का प्रॉब्लम आ चुका था। ये जनरली हर एक में नहीं आता है, ठीक है। अगर ऐसा आता होगा तो आप आईपी को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, और वो आईपी आप किसी और कैमरे को आप असाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पासवर्ड ब्रेकिंग प्रोसेस को सीखकर काफी मजा आया होगा, और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से और भी चीजों के ऊपर मैं पासवर्ड को कैसे रीसेट करते वो बनाऊ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए अपनी कम्युनिटीज में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड मीट यू सून।